आज आप सभी के सामने कंपनी क्रिएशन हम टैली में कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। सो कंपनी क्रिएशन करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि डेस्कटॉप पे एक आइकन टैली का नजर आ रहा है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन पर हमको टैली प्रोग्राम पूरा ओपन मिलेगा। वहां पर सबसे पहला काम, बिकॉज यू आर न्यू, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि वहां देखना होगा आपको गेटवे ऑफ टैली, ये गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन होती है उसमें कार्य करने के लिए हमें मेन्यू दिए जाते हैं। उन मेन्यूज में सबसे पहला काम हमको ये ध्यान देना, चूंकि आपका प्रो सॉफ्टवेयर एकदम नया है और आप भी नए हैं यदि, तो आपको नजर क्या आएगा कि यहां पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आपको नजर आएगा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो एक शॉर्टकट है, कंपनी इन्फो का मींस हो गया कंपनी इन्फॉर्मेशन। जिनको भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो इस मीनू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास कोई कंपनी है ही नहीं है, हमने कंपनी बनाई ही नहीं अभी तक, तो हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कैसे करेंगे। सो सबसे पहला काम होता है कि हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने से पहले कंपनी तैयार करना सीखेंगे। तो आज के लिए हम तैयार कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप पहुंचेंगे कैसे, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो मिल गया। अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तलाश करनी है, कंपनी क्रिएशन। यहां पहुंचने के लिए आपको कई मेथड है, जैसे आप इंटर भी कर सकते हैं, आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में यहां किसी अक्षर का कलर डिफरेंट होगा, अलग होगा, उस करेक्टर को भी आप यूज कर सकते हैं ओपन करने के लिए। जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हैं सो देन आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको नजर आएगी कंपनी क्रिएशन की। कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन में अब हमें क्या ध्यान देना है, तो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन में सबसे पहली चीज की वहां मौजूद सभी फील्ड्स का नाम ध्यान देना है। सभी फील्ड्स में आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है यानी जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए फील्ड को वैसी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है। यहाँ कोई मैंडेटरी फील्ड आपको अगर मिलती है, मैंडेटरी फील्ड इट मींस जरूरी, बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसे में जो फील्ड आपको मिलेगी वो आपको बताई जाएगी कि इसके आगे आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपको इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर देते। तो पहला काम क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको सबसे पहली फील्ड मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या होती है, अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, पहले से आपने कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज लिए हैं, तो आपको पता होगा कि जहां पे हमारी फाइलें स्टोर होती है वो होती है डायरेक्टरी, या दूसरी भाषा में हम विंडोज में इसको फोल्डर का भी नाम देते हैं। तो फाइलों के रखरखाव का मामला होता है डायरेक्टरी का। ऐसे में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारी कंपनी का डाटा कहां जाकर स्टोर होगा ये मिलता है डायरेक्टरी से। तो डायरेक्टरी में हम आते हैं और डायरेक्टरी में हमें दिखाई देगा एक पाथ। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइव सी के अंदर टैली और देन डेटा ये दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टरी में आपको क्या कि आप सी ड्राइव के अंदर टैली नाम का एक फोल्डर या डायरेक्टरी है, जिसके अंदर डेटा नाम का एक सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारी कंपनी का डेटा स्टोर हो रहा है। सो जिस दिन आपसे कंपनी का डेटा मांगा जाए उस दिन आप ये लोकेशन पे जाकर अपना डाटा दे सकते हैं, क्लियर। सो देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या होता है कि यहाँ डायरेक्टरी से आगे अब आप पहुंचते हैं तो आपका काम क्या होता है कि डायरेक्टरी से आगे आपको दूसरी चीज होती है कंपनी का नाम देना। अब नेम की बात आती है, नेम यानी कि आप भी समझ सकते हैं कि आप अगर जन्म लिए तो आपको नाम दिया गया, बिना नाम के आप पुकारे कैसे जाते हैं, तो इंडिकेट करने के लिए नाम रखा जाता है। जैसे आप अपनी दुकान का एक नाम जरूर रखेंगे तो अपने फर्म शॉप या कंपनी का नाम रखते हैं, तो यहां एक नामकरण आपको करना होता है, नाम आप देते हैं अपनी फर्म का या कंपनी का, तो नाम जो भी आपने दे रखा है वो नाम यहां पे आपको लिखना होता है, जैसे एबीसी
प्राइवेट लिमिटेड। ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, और उसको बेचती है। इसका काम यह है, इसने अपना नाम रख दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसे में ये नाम के बाद हमारा काम खत्म होता है और हम यहां पे यूज करते हैं इंटर की, या फिर टैब की भी यूज कर सकते हैं, और या फिर एरो की का भी इस्तेमाल करके हम नीचे आ सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे ही आना। अब नीचे जब आते हैं तो यहां बात आ जाती है हमारी आगे मेलिंग नेम की। मेलिंग नेम इट मीन्स हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का डेटा तैयार करने जा रहे हैं, जब हम मेल करें, मेल इट मीन्स डाक, हमारा जो खत लेन देन का या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे और जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का यहां पे मेलिंग नेम क्या रहेगा। तो जब हम इंटर करते हैं तो सेम ये हमारा यहां पे भी शो करने लगता है, सेम। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार जो डॉक्यूमेंट पे नाम दिखाना चाहते हैं। तीसरी चीज आ जाती है आपकी मेलिंग नेम, और चौथे स्टेप पे आते हैं तो अब आपको यहां ध्यान देना होता है कि आप यहां क्या पढ़ाएंगे, एड्रेस। अब आप एड्रेस की बात कर लें तो एड्रेस में आपको क्या करना होगा, एड्रेस में आपका एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की बात हो रही है इसलिए कंपनी का एड्रेस चाहिए, और आपकी कंपनी किस लोकेशन पे है वहां का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तो उस एड्रेस को आप यहां मेंशन कर देते हैं। जैसे हाउस नंबर है, या बिल्डिंग नंबर है, या फिर मोहल्ले का नाम है, गली का नाम है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीजें मेंशन करके हम वहां रख देते हैं। ये पता आपके डॉक्यूमेंट पे भी आता है, इसलिए वहां तक एग्जैक्ट आपकी पार्टियां आ पाए, लोग आपसे मिल पाए, इसलिए उस नाम एड्रेस को इतनी इजी तरीके से हम वहां मेंशन कर देते हैं। अगले में एड्रेस देने के बाद बात आती है कि आप किस कंट्री में, कंट्री पर आते ही आपको कंट्री लिखनी नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको किसी एक देश का नाम वहां पे मिल सकता है, बट अगर आप उस देश के रहने वाले नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा, लिस्ट से चुनाव करना होता है। तो आपके सॉफ्टवेयर में राइट हैंड साइड में लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में आपको वो नाम दिखेंगे और उस नाम को आप जाकर वहां सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इंटर करते हैं, स्टेप आपका अगला होता है कि आप यहां पे डालिए स्टेट, देश के अंदर किस राज्य के रहने वाले आप हैं, यानी आपकी कंपनी किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे में आप अपनी कंपनी का यानी उसका नाम, जो भी जहां पे जिस राज्य में है वो नाम यहां पे लिखते हैं। बट जैसे ही आप पहला अक्षर दबाते हैं, सपोज आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो आप यू दबाते हैं तो आपको लिस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी यू से आने वाले जो भी स्टेट हैं वो दिखाई देने लगते हैं, तो आप लिस्ट से आसानी से जाके उसका सिलेक्शन कर लेंगे। अगली चीज आती है स्टेट के बाद कि आपको फोन नंबर देना होता है। फोन नंबर आपकी कंपनी का चाहिए, आपके घर का हो वो नहीं देंगे, जो भी नंबर आप इस्तेमाल करते हो अपनी कंपनी में वही नंबर आपको यहां मेंशन करना होता है। जनरली आज के समय में बेसिक फोन सब है नहीं, मोबाइल यूज करते हैं, बट जो मोबाइल का नंबर आप यहां देना चाहते हैं वो इसमें नहीं देंगे, ये फोन नंबर आपको छोड़ देना है, अगर नहीं है तो फोन नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में आते हैं तो आप यहां कंपनी में यूज होने वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल नंबर आपको कैसे लिखना होता है ये आपको पता है, आगे वाली फील्ड में आप भर देते हैं। क्लियर यहां तक हो गया होगा सभी का। अगली चीज आती है, यदि आपकी कंपनी में आपने बनवा रखा है वेबसाइट, तो आप वेबसाइट भी यूज करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, www.domainname.com, ऐसे आपको वहां पूरा कंप्लीट मेंशन करना होता है, जिससे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपकी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकता है।
अगली चीज आती है मेंटेन की। अब जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन अब क्लियर कर दिया गया, हटा दिया गया। मेंटेन क्या है? मेंटेन इट मींस हमारी कंपनी का नेचर क्या रहेगा। नेचर तीन तरीके से देखा जाएगा। पहला क्या होता है कि कंपनी आप अकाउंट्स के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप कंपनी का इस्तेमाल इन्वेंट्री के लिए करना चाहते हो, या फिर आप इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों के लिए करना चाहते हो। तीन ऑप्शन इसमें आते हैं। पहले के वर्जन्स में तीन ऑप्शंस आते थे। पहला, जिनको सिर्फ अकाउंट्स करना था वो अकाउंट्स ओनली ऑप्शन लेते थे। दूसरा, जिनको सिर्फ इन्वेंट्री का काम था वो लोग सिर्फ इन्वेंट्री का ऑप्शन लेते थे, और जिनको दोनों से रिलेटेड काम करना होता था कंपनी में तो वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का ऑप्शन लेते थे। बट जनरली कॉमन क्या हुआ कि अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री सभी लोग कॉमन हो गए, तो ऐसे में अब अगले वर्जन जो हमारे आए उनमें ये बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया कि अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। कंफर्म हो गया आपको? सो मेंटेन अब आपको ऑप्शन नहीं चूज करना है। यहां अगली चीज जो आती है हमारी वो आती है डिसाइड करने की कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, अगर आप इंडिया के रहने वाले तो आपको पता होगा कि भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन यहां पे आपको जो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में फील्ड दी जा रही है यहां पे 31 मार्च का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहां पे जो ये फील्ड है इस फील्ड में सिर्फ इतनी जानकारी हमें भरनी है कि 1 अप्रैल ये आपका फिक्स रहेगा। जिस वर्ष का डेटा आप बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए सिर्फ उस वर्ष को आपको लिखना होता है। जैसे मान लेते हैं 2019 का आपको करना है तो 2019 का, और कोई भी काम आपको यहां नहीं करना होता जिस वर्ष का, जिस ईयर का आपको डेटा भरना है। अगली चीज आ जाती है आपकी कि फाइनेंशियल ईयर के बाद आप आ जाते हैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 में हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिखा रहे हैं, बट हमारी कंपनी की किताबें कब से लेखा जोखा रखी गई, यानी कब से हमने लिखना स्टार्ट किया है, तो वो डेट यहां लिखी जाती है। सपोज हमने 5 मई 2019 से काम करना शुरू किया, क्लियर हो गया, तो ये कहलाता है हमारा बुक्स बिगनिंग ऑप्शन। सो बुक्स बिगनिंग में आपको ये इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां क्या करना होता है कि टैली में आपको एक व्यवस्था ये भी दी गई कि आपके डेटास इम्पॉर्टेंट हैं, कोई फेरबदल ना कर पाए ऐसे में आपको पासवर्ड की भी सुविधा दी गई, वहां पे आप पासवर्ड मेंशन कर सकते हो, और जब भी टैली आपका दोबारा ओपन होगा तो उस कंपनी को ओपन करने के लिए जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और जो करेक्ट पासवर्ड डालेगा वही उसमें कार्य कर सकता है। टैली पासवर्ड देने के बाद आती है बात यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का इस्तेमाल होता है यूजर्स का डिसीजन लेने का, कितने यूजर रहेंगे जो इस कंपनी को इस्तेमाल करेंगे, यानी इस कंपनी में काम करने के लिए जितने लोगों का नाम आप डिसाइड करना चाहते हैं उतने लोगों का अपनी कंपनी के मेंबर्स में से नाम दे सकते हैं, और उनका पासवर्ड भी दे सकते हैं पास करने के लिए। अगली चीज आती है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आकर हमें करेंसी से रिलेटेड सूचनाएं लिखी होती हैं जिनको देखना होता है, और उन्हें कहीं भी तब्दीली नहीं करनी है आपको, इंटर करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में आपका काम होता है जब आपसे पूछा जाता है एक्सेप्ट यस और नो। आपने अभी स्टार्ट किया डायरेक्टरी से और आप इंड आए बेस करेंसी इंफॉर्मेशन तक, इस बीच में कोई इंफॉर्मेशन यदि आपकी मिस हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है, तो आपको बदलने के भी चांसेस अभी हैं। यहां आने पर लास्ट में टैली द्वारा पूछे जाने पर आप यन दबाते हैं जिससे पुनः आप स्टार्टिंग में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आ सकते हैं फिर यहीं तक, बीच में जहां भी करेक्ट करना है वो आप करेक्ट कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि पूरे डेटा जो आपने भरे हैं वो करेक्ट हैं तो आप सिर्फ वाई दबा देते हैं,
या फिर इंटर की को प्रेस करते हैं और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कंपनी क्रिएशन से आगे की बातें करने के लिए। धन्यवाद।